आज हम इस पीपीटी में मास्क के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मास्क की डेफिनेशन क्या होती है, किसका मास्क कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। और आप यहाँ पे मास्क का पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के द्रव्यमान है। इस द्रव्य देखिए, बड़ा वाला जो है उसका मास कितना है, तो 1 kg, इसका ग्राम है, मिलीग्राम है, ये कैसे डिफरेंट हुआ वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि मास का यूनिट क्या है, तो मास का यूनिट किलोग्राम है और यही इसकी डेफिनेशन है। पूरा के पूरे जो मास की डेफिनेशन है ये उसके यूनिट किलोग्राम पर है। कि मास किस वक्त क्या है कि हम पूरे मनुष्य की जो बॉडी है उसका उस सारे उसको मेजर करते हैं, उसको भी मास कहते हैं। लेकिन कितना मास उसका प्रॉपर कितना, 1 kg, 2 kg का मास है, ग्राम का मास है, किसका मास है, तो उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI ने डिफाइंड किया कि इंटरनेशनल एक प्रॉपर टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड किलोग्राम, बराबर। तो उन्होंने एक प्रॉपर टाइप डिसाइड किया और उसको किलोग्राम किया। आप कहेंगे कि प्रोटोटाइप होता क्या था? प्रोटोटाइप मीन्स के एक प्रकार का ढांचा, मीन्स के ऐसा एक ढांचा बनाया गया है और उसको कहा गया है कि इसको 1 kg कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोटोटाइप वॉज अ मेड इन 1879 बाई ग्रॉग मैथी। उन्होंने एक जो प्रॉपर टाइप बनाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 39 mm, बराबर 39 mm व्यास वाला, मीन्स कि उसकी इतनी ज़्यादा वाला उन्होंने एक बनाया और उस जो वो बनाया सिलेंडर बनाया, ठीक है। 39 सिलेंडर मीन्स क्या, आपको पता है कि नालाकार जो आकार होता है उसको सिलेंडर, तो सिलेंडर आकार का 39 mm व्यास था और उसको 90% प्लेटिनियम और 10% इरेडियम से बनाया गया। तो किस धातु का बनाया था? प्लेटिनियम और इरेडियम। आपको सबको पता है कि जब भी कई बात आती है तो प्लेटिनियम धातु ही यूज़ किया जाती है, क्योंकि गोल्ड है, सिल्वर, उस सभी से इफिशियंट जो धातु है वो प्लेटिनियम। और वो कैसे, तो आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल डेली यूजेस पे सबसे ज़्यादा महंगी धातु प्लेटिनियम, उससे भी महंगे लेकिन बटन कोई गोल्ड के ऊपर अगर खरीदता है तो कहे प्लेटिनियम, मेरे पास प्लेटिनियम की चीज़, तो हम देखते हो वाह इसके पास प्लेटिनियम की चीज़ है। सो प्लेटिनियम उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि प्लेटिनियम में कितनी अच्छी धातु है। और आपको पता है कोई भी शुद्ध धातु होती वो ज़्यादा टिकती नहीं है, वो ख़राब होती, इसमें कुछ मिलावट करनी ही पड़ती, इसलिए इसमें 10% इरिडियम को मिलाया गया, ठीक है। देखा हुआ है 24 कैरेट सोना होता है, उस धातु के हम गहने पहनते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए हम 22 कैरेट के ही सोने पहनते हैं और उसमें थोड़ी मिश्रित धातु है तभी वो टिकाव बनता है। तो इंटरनेशनल जो प्रॉपर टाइप थे उसको फ्रांस ने अंडर कंडीशन के आधार पर उन्होंने वहाँ पर रखा था और उसको फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में उसको मेज़र किया गया कि इसका क्या वजन है और क्या है सब कुछ, वो मेज़र किया गया 1889 में। उस प्रोटोटाइप को प्रोटोटाइप था उसे डिक्लेयर कर दिया कि इस रैप का जो है उस प्रोटोटाइप को किलोग्राम कहते हैं। अब प्रोटोटाइप देखते हैं, देखो इसको प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, इसके एक प्रकार का ढांचा बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टील की जार ली गई है, ठीक है, ये जार है और उसमें जो बीच में जो रखा गया वो किलोग्राम है। ये प्लेटिनियम और इरिडियम का बना गया है और उसको 1 kg कहा गया। और उसको आप सोचेंगे कि इसके जो चारों बाजू ये स्टील की जार है वो क्यों लगाई गई, क्योंकि उसमें एटमोसफियर का असर हो गया, एटमोसफियर का भी काफ़ी असर होता है। आपको पता है कि जो आयन धातु है उसको खुले हवा में रखते हैं तो वो जल्दी से काट खा जाती है, ऐसा तो सभी धातु में ऐसा होता है, इसे खुला नहीं रखा जाता है। जैसे कि सोने के दुकान में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सोने की वस्तु है उससे वो मेज़र करते, एक कांच की पेटी होती है उसके अंदर सोना रख के मेज़र करते कितना किलोग्राम है या चांदी है ये सबको।
तो इससे पता चलता है कि हवामान का इफेक्ट इन धातुओं पर होता है, इसलिए इसको झार में रखा गया है, एक कांच के ऐसे बनाए गए हैं और वो भी तीन लेयर में बनाया गया। ठीक है, देखो ये एक वन, एक टू और एक थ्री रहा है, जो इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो थ्री लेयर्स का बनाया गया, इसलिए इसमें जरा सा भी इफेक्ट ना आए। ठीक है, अब देखते हैं आगे को, यही कि इस प्रॉपर टाइप को यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास का यूनिट क्या है, तो वो प्रोटोटाइप देखो इसका यूनिट वो बताया कि इसके एटमोसफियर असर ना हो, इसलिए इसमें ट्रिपल बेल जार है। ठीक है, देखा, और इस प्रोटोटाइप की सिक्स ऑफिशियल कॉपी, एक कैसे बनाए कैसे हो इसकी सिक्स ऑफिशियल कॉपी, क्योंकि ऐसे ही नहीं बना कि इसके कोई भी पत्थर ले लिया कि ये बन के थे, उस पर काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर ये डिसाइड किया। 1901 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वेट, और उसका वर्ल्ड वेट किया गया। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मास एंड वेट, और ठीक है जो हमारा शरीर बना उसके अंदर क्या है, बोलते हैं इसमें मांसपेशियां है, ये सब कुछ है, जो हमारे अंदर जो है मास या कोई भी स्ट्रक्चर, वो उस पूरी बॉडी का जो है उसे मास कहते हैं, जो कितना भी होता है। मानो कि एक पत्थर ले लेते तो उसका वजन उसका कितना वेट लेते हैं, तो मुझे 1 kg ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मास मीन्स के कोई भी वस्तु का उसके अंदर रहा हुआ द्रव्य, ठीक है, इसको मास बोलते हैं। वेट मीन्स के मास एग्जैक्ट होता है, वेट डिफरेंट होता है, मास इज अ एग्जैक्ट, वेट इज अ डिफरेंट। ठीक है, तो देखते हैं कि वेट हमारा जो अर्थ में हमारा वेट 60 kg, वही हम चंद्र पे जाएंगे तो हमारा वेट 1 kg हो जाएगा या 10 kg, जो भी वो उसका अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि वेट आधार रखता है ग्रेविटेशनल बल, मीन्स कि गुरुत्वाकर्षण बल पर वेट आधार रखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आप समझ चुके हैं। देखिए, ये किलोग्राम का जो हमने बताया था वो बेल जार में रखा हुआ था, ये किलोग्राम का है। ठीक है, वो हम दिखाएं अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ मास, फिर हम काफ़ी संशोधन हुआ। ठीक है, कि किलोग्राम कहते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि ये जो किलोग्राम का जो हमने वेट रखा है वो कभी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो फिर हम किस को किलोग्राम कहेंगे। कोई ऐसा वेट होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल हो, जो पर्यावरण में हाजिर हो, हमारे आसपास हाजिर हो, ऐसे कोई धातु का होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर ये धातु भी खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई एनवायरमेंटल हो, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, तो फिर जो हमारे आसपास पर्यावरण में मौजूद हो वैसा होना चाहिए। ठीक है, कि यूनिट ऑफ मास किलोग्राम में दूसरा भी होना चाहिए, तो फिर मास का ऐसा यूनिट रखा 1 microgram, मीन्स के 1 × 10⁻⁶ ग्राम। ठीक है, 1 microgram, 1 microgram मीन्स के इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, लाइक हमारे आसपास जो डस्ट होती है उसका एक कण। आप मुझे कोई भी हमारे आसपास जो धूल मिट्टियाँ उठती हैं, फिर आप देखते होंगे कि सूर्य प्रकाश एक खिड़की में से आ रहा है तो उसमें कितनी सारी डस्ट होती है, सूर्य प्रकाश आ रहा है इसलिए मैं दिख रही हूँ, वरना भी हमारे आसपास कितनी डस्ट है, उस डस्ट में से आप मुझे एक कण ला के दिखाएं, उससे 1 microgram कहते हैं। हुआ ना कि एनवायरनमेंट में जो हमारे आसपास मौजूद है उस कण को हमें लेना है, तो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास डस्ट है तो उसे 1 microgram ले सकते, तो कह सकते कि यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट है 1 microgram। तो ये हुई अच्छे डेफिनेशन कि वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, फिर यह क्या कहते हैं, 1 possibility टू डिफाइन द किलोग्राम एज अ फिक्स नंबर ऑफ एटम पर्टिकुलर सब्सटेंस, कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो हमने किलोग्राम डिफाइन किया वो पर्टिकुलर एटम और सब्सटेंस का फिक्स एटम है, कि वो प्लेटिनियम लिया उसका वो एटम है, उसका पर्टिकुलर सब्सटेंस है और वो फिक्स है कि यही है। ठीक है, सिलिकॉन इज अ गुड कैंडिडेट टू फॉर अप्रोच बिकॉज इट कैन ग्रो एज अ लार्ज सिंगल क्रिस्टल,
कह रहे कि सिलिकॉन जो है वो इस एग्जाम के लिए कि जो 1 माइक्रोग्राम है डेफिनेशन उसके लिए सही है और वो बहुत प्योर फॉर्म है, वो प्योर फॉर्म है। प्लेटेनियम है, ये सभी धातु से प्योर जो कहते हैं ना कि एनवायरमेंट के नज़दीक हो वैसे धातु है, तो सिलिकॉन है। तो वो आगे इसकी भी शोध कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं कि उसको भी ले सकते हैं इस डेफिनेशन को डिफेंड करने के लिए, अगर जाके नई भी डेफिनेशन बन सकती है तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं कि प्लेटिनियम का बनाया तो प्रोटोटाइप वही रहेगा, दूसरा कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, तो मास के यूनिट किलोग्राम एक ही नहीं है, उसके बाद कहीं सौद और कहीं अलग अलग यूनिट बने, तो उसका मास का एक यूनिट है ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसा सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद का जो है वो मिलीग्राम बने, उससे छोटा है कम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम, ये कितने मिलीग्राम चीज़ है, और उससे छोटा माइक्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि माइक्रोग्राम कितना छोटा सा एकम है। तो हमने देखा तो कितने सारे यूनिट हुए, तो कह के केजी, द मेन यूनिट ऑफ मास केजी, देन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम, दैट्स आर रिमेम्बर। ओके, तो अब इस वीडियो में हमने मास के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग।